नमस्कार, सिलवासा न्यूज़लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आपको सिलवासा को गौरवान्वित करने वाली एक खबर दिखाने जा रहे हैं। यह खबर है सिलवासा के प्रमुख गार्डन सोसाइटी के रहने वाले अनुराग सिंह व शिखा सिंह की बेटी रियांशी सिंह का, जो अभी है तो करीब 3 वर्ष की, लेकिन बनाया ऐसा रिकॉर्ड कि मिल गया गोल्ड मेडल और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कराया अपना नाम दर्ज। ऐसे में हम सभी का दायित्व है कि इस नन्ही सी प्यारी बच्ची का हम हौसला बढ़ाएं। देखिए यह खबर हेमंत मिश्रा व पंकज सिंह के साथ सिलवासा के सम्मान में। अगर खबर आपको अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जी। ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिया के लिए गिफ्ट आया है, तो इट इज अ सेट जिसमें एक गोल्ड मेडल आया है रियांशी को, एक उनकी तरफ से पेन है, एक बैच मिला है उसको जी, और एक उसका एप्रिसिएशन कार्ड है, आई कार्ड है। आई शो यू द सर्टिफिकेट आल्सो, उसका सर्टिफिकेट भी आया है रियांशी का। ये जी, ये बुक है जो नेक्स्ट ईयर रियांशी का नाम भी इसमें पब्लिश किया जाएगा। ये 21 में ना? Yes, 21 में। ये सारी चीजें हैं। नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं, आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। कहावत है कि जब बच्चा पालने में होता है तभी उनके पैर को देखकर पता चल जाता है कि वो बच्चा कितनी लंबी छलांग लगाने। ये बिल्कुल ये बातें आज रियांशी पर सेट हो रहा है, क्योंकि बच्ची की उम्र जब हम आपको बताएंगे तो आप बिलीव नहीं करेंगे। उस बच्ची का उम्र है 3 साल। महज 3 साल की उम्र में जब आपको गोल्ड मेडल मिलता है तो एक बहुत बड़ी कामयाबी कह सकता है। और ऐसा ही सिलवासा में हमारे यहां यानी हमारे दादरा नगर हवेली की एक छोटी सी बच्ची ने 4 चांद लगा दिया है। पूरे भारत की ये बच्ची आप कह सकते हैं, क्योंकि सिलवासा में ये बच्ची जिस तरह से आज अपना जलवा बिखेर दी है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, उसे आप जब देखेंगे तो आपको अपने आंखों पर भरोसा नहीं होगा। चलिए मिलवाते हैं उनके पेरेंट्स से, जो पूछेंगे अपने बच्चों से कुछ क्वेश्चंस और साथ ही बताएंगे कि इसका राज क्या है। हाय रिया, गुड इवनिंग रिया। ओके, एंड रियांशी व्हाट इज योर नेम? And how old are you? Say? Three. Okay, उधर बताओ three. Say uncle, I'm 3 year old. 3 year old. Okay. And Riya, who is the Prime Minister? Narendra Modi. Yeah. And Riyanshi, what is a national bird? Peacock. Okay. And what is a national flower? Okay. And what is a national animal? Tiger. Yo. Okay. And what is a national fruit? Mango. Okay. And what is a national river? Ganga. Okay. ठीक है. And Riya, अभी आप हमको capital सुनाओगे? Moscow. Mongolia. Ulaanbaatar. China. Beijing. India. New Delhi. Nepal. Kathmandu. Bhutan. टेम्पू. बांग्लादेश. ढाका. म्यांमार. नाइपिटो. लाओस. विंटियन. थाईलैंड. बैंकॉक. जापान. टोक्यो. ताइवान. ताइपे. फिलीपींस. मनीला. इंडोनेशिया. जकार्ता. सिंगापुर. सिंगापुर. हांगकांग. विक्टोरिया. पाकिस्तान. इस्लामाबाद. साइरिया. बैंकॉक. क्या कहना चाहिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको और बहुत सारा ब्लेसिंग्स है हमारे सिलवासा न्यूज लाइन की तरफ से, पूरी परिवार की तरफ से हमारे
चैनल के कि आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोटी सी बच्ची आज आपको बहुत ही गौरवान्वित कर दी है कि तमाम जो देश दुनिया से तमाम जो लोग हैं वो आपको आज इस तरह के सर्टिफिकेट्स और गोल्ड मेडल्स और अदर बहुत सारी चीजें एक रिकॉर्ड बुक में अपने नाम को दर्ज करा लिया, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, मतलब ऑब्वियसली फ्रेंड्स फैमिली सबकी ब्लेसिंग है हमारे बेटी के ऊपर दैट शी हैज वन दिस, एंड हम दोनों वर्किंग है, उसके बाद भी उसने इतनी सारी अचीवमेंट की हुई है एंड ये उसी का है फल कि हम लोग भगवान की कृपा है उसके ऊपर कि उसको इतना कुछ आता है इतनी छोटी सी उम्र में। जी रियांशी, हाय बोल दो एक बार हमारे। हाय रिया, हाय बोल दो। अच्छा, ये तो हो गई ये चीजें कि आप जिस तरह किस तरह से आपने गाइड किया हो, क्योंकि कहा हुआ था कि 3 साल की बच्ची इतनी छोटी सी उम्र में जिस तरह से आज यहाँ पर पूरे देश दुनिया के लिए एक संदेश दे रही है कि वाकई यदि पेरेंट्स चाहें तो बच्चों को एक छोटे से उम्र से जब तराशा जाता है तो एक अलग ही लेवल पर आज आप लोगों ने इस 3 साल की उम्र में पहुंचा दिया है, तो क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह से ये एक परवरिश है, किस तरह से आप लोग इसे सींच रही हैं जो आगे चलकर आगे एक अलग ही अवधा और एक अलग मुकाम पर पहुंचेंगी? देखो, हम दोनों ना वर्किंग है, मतलब मी आई एम ऑल्सो वर्किंग एंड माई हस्बैंड इज ऑल्सो वर्किंग, तो हमें बहुत टाइम तो नहीं मिलता है अपनी बच्ची को सिखाने के लिए, बट कोशिश ये करती हूँ कि शाम को जब मैं आऊँ ऑफिस के बाद तो थोड़ा वक्त उसके साथ बिता सकूँ एंड उसका खुद का इंटरेस्ट बाकी के टॉयज से ज्यादा बुक्स में और जो भी हम उसे सिखाते हैं, शी ग्राफ्स इट वेरी नाइसली। व्हाई नॉट, व्हाट डू यू से? इस वक्त रियांशी के फादर हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत हम चैनल में स्वागत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से तमाम, जैसे आपकी वाइफ बता रही हैं कि बहुत ही अलग तरीके से एक लोग आप लोग दोनों हैं जो वर्क करते हैं, लेकिन इसके साथ किस तरह से अपने परिवार को समय दे रहे हैं और किस तरह से बच्चों में जो एक टेक्निकल चीजें हैं, इतिहास से जुड़ा हुआ चीज है और तमाम जो चीजें हैं आज के डेट में उसे बता रहे हैं। जैसा कि शिखा ने बताया, रियांशी कुछ भी उसको बताओ तो बहुत जल्दी ग्रेस्प करती है, और जो भी मैं तो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ रियांशी को, बट जो भी किया सिर्फ शिखा और रिया, हमारी रिया, हम रिया को एक्चुअली हम लोग वर्किंग है तो हम क्रच में रखते हैं रिया को नैनो सिटी में, तो वहाँ पे जो इसकी आंटी हैं उन्होंने भी पूरा सहयोग किया जिसकी वजह से ये जो आज है ये संभव हुआ। साथ ही मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमने कभी रिया को मोबाइल नहीं दिया, रिया की आदत नहीं है टीवी देखने की, उसका जब भी मन हुआ वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की चीज़ें जैसे कि ब्लॉग्स और कुछ भी जो भी पढ़ाई से रिलेटेड है वही देखती थी, इसलिए जो हासिल किया है आज वो कर पाई है अपने उस पर। अगर हम भारत देश के तमाम जो लोग हैं, जो दर्शक हैं हमारे इस वक्त जो आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे वो अपने बच्चों के लिए किस तरह से चीजें करें जो आने वाले दिनों में जिस तरह से आपकी बच्ची आज देश का, हमारे नगर हवेली का नाम रोशन कर रही है, उसी प्रकार से कोई और तमाम जो दर्शक हैं उस तरह से कुछ सीख सकें आपसे? बच्चे को शुरू से आप मोल्ड करिए और खेल खेल में जो भी करना है बच्चे के साथ खेल खेल में करिए तो बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। जी जी, अगर बात हम करेंगे तमाम जो चीज़ें आज आपको जिस तरह से इनके पेरेंट्स बता रहे हैं कि बच्चों को खेल खेल में आप जितना कुछ सिखा सकते हैं वो आप सिखा दें ताकि जब उसे ऐसा ना लगे कि आप उसके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, और बल्कि ऐसा लगे कि आप खेलों खेल में उस बच्चे को बहुत कुछ सिखा देते हैं और आपको आपको पता होता है, लेकिन वो बच्चा फ्यूचर में अपने साथ साथ अपने समाज का, अपने प्रदेश का और अपने देश का नाम रोशन करता है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज़ लाइन, सिलवासा।